हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आ गए फिर से रिएक्ट करने। इस बार हम रिएक्ट करेंगे कुछ फनी मीम्स के ऊपर। एंड ये जो वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करेंगे वो हमने उठाई है ठग ऑफ मीम्स। तो सो बिग शाउट आउट टू ठग ऑफ मीम्स, टू यूट्यूब चैनल है, उधर से हमने ये वीडियो उठाई है। ओरिजिनल वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देन हम शुरू करते हैं वीडियो पे रिएक्ट करना बिना किसी देरी के। लेट्स गो। Use headphones, we are using. Ruko jara, sabar karo. Oh shit, let me go again. Apan bhai, pigalte nahi hai bhai. Sigma. Hey Gangu bhai, main biryani bana rahi hu, tu khaye? Sure. तुझे क्या लगता है गंगू बाई गू खाती है? चौदहवा प्रश्न, सचिन और सार्थक नरुला, आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन? भूपेंद्र जोगी। सात करोड़ भाई साहब, सात करोड़ एकदम से जवाब दिए लौंडे ने। जज्बा है जज्बा। बेटा क्या देख रहे हो? बाप से नो पंगा बेटा। इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं पापा? अच्छा, गॉन विद द विंड। ओके, जब इंग्लिश पेपर में 31 नंबर आया था तो गॉन विद द मार्कशीट हो गया। सारी उम्र में ठोकर जा बड़े यार। हाय, मेरी मम्मी। ओके, आंटी जी आप इतने ज्यादा कूल हो कि आप अपनी बेटियों के साथ बैठे हैं। इतनी मॉडर्न मम्मी कैसे मिलती है? वैसे पापा भी है। प्रैंक हो गया भैया। आपकी क्या लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज के बाद भी इतना ज्यादा प्यार क्या करते हो? हम लोगों को शादी हुए 20 साल हो गए। आप क्या काम करते हो अंकल? सरकारी नौकरी? आपकी कितनी डॉटर्स हैं यहाँ पे? 2 डॉटर्स। ओके, यू गाइस कैरी ऑन। अंकल जी, आंटी तुमने लाइक क्या ऐसा करा है जो आपके हस्बैंड इतने कूल है? आंटी बोल सकते हो ना? मम्मी बोल सकती? वैसे अब लग नहीं रही। मम्मी मम्मी बोलूंगा तो ऐसा लगेगा ना मैं आपका दामाद हूँ। कर दिया ना दीवाना। क्या ये क्या था? अरे आधी क्लास तो ऐसी खत्म हो जाएगी भैया। रिजल्ट आपने ये डंडी अंग कैसे घुसाई? बस ये घुसाने वालों ने घुसा दी। अच्छा। खुद नहीं घुसा? मैं राजी था, मैंने कहा जो करना है कर लो, 5 मिनट है तुम्हारे। 1 2 3 लोग डंडिया। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, गाड़ी हिल रही थी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। Full speed and then handbrake. Drift, okay? Oh? ऐसे कैसे? जीसी भी भाई इस पे चल रही है। पहिए अलग होंगे, पहिए पक्का अलग होंगे, पहिए इसके कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आज पाकिस्तान का मैच था इंडिया के साथ, पाकिस्तान हार गया, समझे? इंडिया ने टॉस जीता और बोला जाओ बैटिंग करो। अच्छा जी। और हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो हम कर लेते हैं, हमारा मूड नहीं था। सही है, ठीक ठाक चल रहे थे, अच्छी खासी इनिंग्स चल रही थी, ठीक ठाक खेल रहे थे, बीच में किसी ने आवाज लगा दी, खाना खुल गया, सब वापस चले गए।
अपना ही बंदा अपने टीम की बेस्ती मार रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप क्या लेंगे पीने में? I'll have coffee. अरे भैया कॉफी की बात मत करो, तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। एक सेकंड में औकात दिखा दी। एक बात है, करण भाई जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं उसकी लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, बस वो झुके ना। डैंक। ओ भाई डार्क था बहुत। अम्मा टुकड़ो ये कौन सी लैंग्वेज का आ गया? ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान जोर से अपना नाम पुकारे तो पता है क्या होता है? जवाब में पहाड़ उसकी प्रेमिका का नाम लेता है। वाओ, रियली? मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए ना। पवन रितु डार्लिंग तुम भी ट्राई करना प्लीज। रितु साहिल विकास रोहित अनिल रमेश मोहन सुनील मति मनोज आई या फाइनली भाई का नाम वाला। मैं आपका अनुराग नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? टेम्पर लगाता हूँ बगल में दुकान। कितना कमा लेते हैं? क्यों उधार लेना है क्या मेरे से? आपको दिख रहा नहीं मैं रिपोर्टिंग करूँ फिर बदतमीजी करें इशारे करूँ? आपको तमीज नाम की चीज नहीं है, मेरे को भी मैनर्स नहीं है आपको? मैडम पहली बात तो ये बदतमीजी मैं नहीं ये कर रहा था। और दूसरी बात ये मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि तुम पे लाइन मारूंगा मैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसमें विलन ने आपको बहुत मारा, बहुत मारा। रिलेटेड सीन कुछ याद है? दीवार। जी सर। दीवार जो दूसरी दीवार बनी थी। जी सर दूसरी दीवार। उसमें विलन ने आपको बहुत मारा था। सर हम जेल में थे। जी सर। और जेल में बहुत सारी चीजें हमको कही भी गई थी। हाँ सर उसमें। और कुछ अजीब सी चीजें मैंने कह दी थी सर आपको। जी वो आपने मारा भी था और कहा भी था। कहें तो वो अजीब सी चीज फिर से एक बार। हाँ क्यों नहीं, मूड हो रखा है। हाँ जी बोल दीजिए, क्या कहा था आपने मुझे? वो कहा था कि बकचोदी मत कर लौड़े। तेरी माँ का पूछड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामी इनकॉर्नेशन। वॉइस मैसेज। ये सब भी हुआ ही है। हुआ है मेरे साथ। मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ? बड़े हरामी लोग हैं भाई। क्या बात कर रहा हूँ समझ नहीं। कंट्रोल। बड़ा अंकल। चाचा चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जा नहीं जाता। ये क्या है? यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, अगर कोई लड़की आपको प्रपोज कर दे सामने से तो आप क्या रिएक्शन करोगे? जवाब हाँ दोगे या ना दोगे उसको? देखो हम भी बहुत एटीट्यूड वाले बंदे हैं,
ऐसे कैसे बता सकते हैं? पहले आप ये बताओ लड़की होगी कैसी? होगी कैसी का क्या मतलब? मेरी तरह होगी खूबसूरत? तब तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? घर जाके आईने में खुद देख लेना। दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है और जिसके पास दोस्त है, मैं कह रहा हूँ कि आपका नुकसान हो जाए चाहे कुछ हो जाए खोना मत। है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर, के बीत जाए ये उमर। So guys, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस हो गया, आज की वीडियो खत्म। बाय बाय, थैंक यू, टाटा, नमस्ते।